गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस आर राइटिंग स्किल पोस्टर्स एंड स्लोगन्स पोस्टर्स हैव यू सीन पोस्टर्स आपने कभी पोस्टर्स देखे हैं पोस्टर से आप जब आप पोस्टर देखते हो वहाँ पे एक पिक्चर बनी होती है राइट कुछ स्लोगन्स लिखे होते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि जो अपकमिंग इवेंट है वो क्या है राइट सो पोस्टर्स किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि पब्लिक को या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाए किसके थ्रू विजुअल्स एंड लैंग्वेज के थ्रू विजुअल्स मीन्स पिक्चर्स जब कोई पोस्टर बना होता है अगर आप किसी रोड पे भी देखोगे स्ट्रीट्स में भी होता है वो पोस्टर पे क्या होता है एक पिक्चर्स बनी होती हैं कैची पिक्चर्स जो आपको देखने में भी अच्छी लगती है और वो देखते हो कि आपको पता चल जाता है कि ये इवेंट कौन सा आने वाला इवेंट है उसके बारे में और साथ में किसका यूज़ किया होता है लैंग्वेज का उसके बारे में कुछ लिखा भी होता है राइट वो होते हैं हमारे पोस्टर्स एंड स्लोगन्स मेन एम क्या होता है पोस्टर्स को डिज़ाइन करने का फॉर पब्लिसिटी जिसको हमने पब्लिकली इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है किसी फैक्ट्स को कन्वे करना है उसके लिए हम पोस्टर को डिज़ाइन करते हैं एंड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन सोशल और पर्टिकुलर इश्यूज या किसी इश्यूज के लिए हमने पब्लिक को अवेयर करना है जैसे हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि सेव ट्रीज सेव रिवर्स सेव आर एनवायरनमेंट सो जो ऐसे टॉपिक हैं वो क्या है हम उनको अवेयर कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को या कोई टॉपिक्स हैं लाइक सोशल इश्यूज हैं इवन डोरी सिस्टम लाइक दिस सो इसके लिए भी हमें क्या है एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं और थोड़ा सा हम उसको रिटर्न लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो इसलिए हम क्यों डिज़ाइन करते हैं टू कन्वे आइडियाज इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स टू आवर पब्लिक सो अब फॉर्मेट क्या है एक पोस्टर को डिज़ाइन करने का व्हाट इज़ द फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए एक टाइटल एक हैडिंग कि हम हमारी पब्लिक को या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं या फिर किस चीज़ की हम पब्लिसिटी कर रहे हैं जो पोस्टर्स होते हैं ये बहुत ही ब्रीफ में होते हैं ये नहीं कि हमने इसको ऐसे ऐसे में लिख देना नो इट मस्ट बी ब्रीफ किसी चीज़ को अगर हम एडवर्टीज कर रहे हैं मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च हुई है वो कंपनी जो है वो इशू जिसने पोस्टर को डिज़ाइन करवाया है वो अपनी थिंग्स को अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज कर रहे हैं वो भी हम क्या है पोस्टर्स और स्लोगन्स के थ्रू करते हैं सो व्हाट इज़ द फॉर्मेट सबसे पहले हमें एक हैडिंग चाहिए होता है हैडिंग मस्ट बी इन बोल्ड लेटर्स आई कैचिंग होना चाहिए वो तो उसको हम किस में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स बोल्ड लेटर्स में देन पोस्टर शुड बी कंसाइज टू द पॉइंट हमने पोस्टर्स में लिखना होता है उसको हमने लंबा चौड़ा कुछ नहीं देना इन ब्रीफ पोस्टर्स में एंड लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल सिंपल लैंग्वेज हो ताकि जो हमारी पब्लिक है उनको समझ में आ जाए राइट विजुअल्स शुड बी अट्रैक्टिव जो आप पिक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हो उस पोस्टर को डिज़ाइन कर रहे हो वो भी बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए करेक्ट एट द एंड जब आप पोस्टर को डिज़ाइन भी कर लिया आपने उसको स्लोगन भी दे दिया उसके जो मेन मेन पॉइंट ब्रीफ में आपने उनको बता दिया एट द एंड आप एक लाइन लीव करके वहाँ पे लिखोगे इशूड बाय कि जो ये पोस्टर एंड स्लोगन है या फिर जो ये एडवर्टीजमेंट है ये सोशल अवेयरनेस है ये किसके थ्रू आपको तक पहुँची है किसने उसको इशू की है सो कैसे पोस्टर्स को हम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बॉक्स बनाया देन गिव हैडिंग सेव ट्रीज दे आर आवर लाइफ लाइन हैडिंग दे दी आपने एक और हैडिंग इसमें है कैपिटल लेटर्स में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ट्रीज के बारे में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम इसको टू द पॉइंट लिखेंगे आपने इसको कोई सेंटेंसेस में कोई ऐसे मीन्स बहुत बड़ा सा नहीं लिखना ट्रीज ट्रीज का क्या क्या बेनिफिट है अब क्या क्या बेनिफिट है गिव अस ऑक्सीजन गिव अस वुड आर होम ऑफ बर्ड्स राइट आप यहाँ पे 5 to 6 points quote कर सकते हो देन सो अब
ट्रीज को हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको सेव करने के लिए. डू नॉट कट ट्रीज, प्लांट एंड ग्रो मोर ट्रीज. सो इन दिस वे यू विल ऐड 4 to 5 पॉइंट्स हियर आल्सो इन पॉइंट्स एंड हियर इन दिस साइड यू विल ड्रॉ अ पिक्चर. आप जो पोस्टर बनाओगे, जब आप पोस्टर बनाते हो जो आपकी पिक्चर होती है आप उसके बेस पे लिखते होते हो, राइट? आप उसके बेस पे लिखोगे. पिक्चर बनाई यहाँ पे ट्रीज. अब ट्रीज से ही समझ आ रहा है कि हम हमारे पोस्टर जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं ना अट्रैक्टिव सी, तो उस पिक्चर से ही समझ आ जाता है कि ये टॉपिक किसके बारे में है. ट्रीज बने हुए हैं तो आपको ट्रीज को देख के ही समझ आ जाएगा कि जो हमारा टॉपिक है ये पोस्टर है ये कोई ट्रीज की बात करने वाले हैं, राइट? फिर हम वहाँ पर ट्रीज के बेनिफिट्स और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो हम उसको लिख देंगे. देन एक लाइन को लीव करके नीचे ईशुड बाय. अब ईशुड किसने किया इसको, किसने ये पोस्टर बनवाया? द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा ये इशू किया गया. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पोस्टर्स एंड स्लोगन्स, राइट? आप उसको पहले एक कैची सा ड्रॉ करोगे, अच्छा सा अट्रैक्टिव सा, फिर उसके बारे में आप लिखोगे ये हमारा फॉर्मेट है. थैंक यू स्टूडेंट्स.